नमस्कार, हमारे साथ हैं लेखक और पत्रकार शशिभूषण द्विवेदी। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि उनके लिखने की शुरुआत कैसे हुई। शशिभूषण जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। उसके बाद मेरा पहला सवाल आपसे यही है, किसी भी लेखक से, कि आपके लिखने की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत तो दरअसल मुझे लगता है कि जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल या उससे पहले ही, तो हाई स्कूल या इंटर में एक महाकाव्य लिख दिया था मैंने जयशंकर प्रसाद की तर्ज पर जो कभी किसी को दिखाया नहीं जी। अभी भी रखा है कहीं वीर संघ में। लेकिन वो एक दौर था जब स्कूली किताबों के जरिए जो साहित्य से परिचय हो रहा था, लेकिन समकालीन रचनाशीलता से कोई परिचय नहीं था। मैं साइंस का विद्यार्थी था बीएससी के दौरान। संयोग ऐसा था कि तब तक जासूसी उपन्यास और जो जिसे सस्ता साहित्य कहा जाता है वो बहुत पढ़ता था मैं। तो संयोग ये बना कि मैं घर आ रहा था और रेलवे स्टेशन पर उस समय इंडिया टुडे साहित्य वार्ष की का पहला अंक आया था, उसमें स्टेशन से मैंने ले लिया और उदय प्रकाश की कहानी वारन हैस्टिंग का सांड, उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। उसमें दो कहानियाँ थी, एक पिंटी का साबुन संजय खाते की थी। उन दोनों कहानियों ने दरअसल मुझे लगा यार अभी कुछ ऐसा लिखना चाहिए, मतलब क्या लिख रहे हैं ये सब चल रहा है। तो दरअसल उसके बाद फिर मैंने कहानी लिखी, एक कहानी मैंने वागर्थ गंभीर सिंह पाली हमारे शहर के थे, कहानीकार थे, उनसे परिचय हुआ था। तो उन्होंने कुछ पत्रिकाओं से परिचय कराया, मैंने कहानी उनको दिखाई, तो वागर्थ में कहानी भेजी मैंने। बड़ा दिलचस्प है कि भाकर श्रोत्री जी संपादक थे, उन्होंने दो बार कहानी पढ़ी और दो बार मुझे लौटाई और दो बार चिट्ठी लिखी इसमें ये करो वो करो। वो कहानी कहीं संग्रह में नहीं है, कहीं किसी संग्रह में नहीं है, और उसको उन्होंने छापा। इसके बाद मैंने उसी समय लगभग एक कहानी लिखी थी और अखिलेश जी को भेज दी थी। तद्भव का पहला अंक मैंने आया था उस समय, मैं उनको जानता भी नहीं था, मुझे पालनी जी ने के अंक दिखाया, मैंने भेज दिया उसी एड्रेस पर। तब फ़ोन वगैरह भी कुछ नहीं था, पापा टेलीकॉम डिपार्टमेंट में थे तो फ़ोन उनका था, तो मैंने एड्रेस और फ़ोन नंबर भी नहीं लिखा था। तो अखिलेश जी से एक बार ऐसे ही मैं चला गया लखनऊ किसी काम से, मिल भी आया, तो उनका पहला सवाल ये था कि ये अंगूठी जो है मैंने हाल में पहनी है, अभी हाल में क्या कली पहनी है, ये उस समय पहनी थी। तो उनका पहला सवाल था ये अंगूठी तुमने क्यों पहनी है। अच्छा, तब तक मेरे दिमाग में ये था कि ये बड़े प्रगतिशील और ये इस तरह के लोग हैं यार, तो बड़ा गलत हो गया तो, तो मैं दुनिया भर के जो है सफाई वफाई दी, इसके बाद आके अंगूठी उठा के फेंक दी। अब लेकिन अंगूठी तो पड़ी रही है, कल परसों तक मैं देख रहा था कि अंगूठी जंग लगी हुई है, दुनिया भर के गंदी हुई है। तो पुरानी स्मृतियाँ आई तो मुझे लगा कि अंगूठी सिर्फ अंगूठी नहीं है, एक स्मृति भी है ना। तो वो स्मृति मुझे अचानक से याद आई, पत्थर से कुछ बदलता बनता बिगड़ता नहीं है, जब हम खुद पत्थर होते जा रहे हैं तो पत्थर क्या बनाएगा बिगाड़ेगा। तो खैर वो कहानी उनको मिली तो उन्होंने कहा ठीक है देखता हूँ, चालू अंदाज में कह दिया, उनके पास भी बहुत सारी कहानियाँ आती होंगी। खैर उन्होंने कहानी पढ़ी और परेशान हो गए, पता किया कहाँ रुद्रपुर, उनको पता था रुद्रपुर टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी पता था। तो उन्होंने रात के 12 बजे किसी से नंबर जुगाड़ करके फ़ोन किया, तब मैं शशिभूषण द्विवेदी प्रखर नाम से लिखता था, वो छायावाद का एक प्रभाव था। तो कह रहे हैं यार कहानी तुम्हारी बड़ी याद नहीं, और ये प्रखर प्रखर क्या है, और ये कहानी तो मैं छाप रहा हूँ और तुम नंबर भी तुमने नहीं दिया, और यह है वो है। रात के 12 बजे उन्होंने फ़ोन किया और खैर चौथे अंक में कहानी छपी। तो शुरुआत इस तरह से हुई। पहला जो कहानी संग्रह ब्रह्म हत्या और कहानियाँ, और 2005, अब कहीं कुछ नहीं 2018, 13 साल का गैप है। इस 13 साल के गैप को इस कहानी संग्रह के आने पे लोगों ने इस तरह से भरा कि
ये रचनात्मक समय बीता और ये लंबा समय था और अंतराल था, आपने इस अंतराल को किस तरह से देखा और जिया? देखिए 1999 से 2005 उसी समय कई कहानियाँ आई, मेरा संग्रह भी आया, ज्ञानपीठ का अवार्ड भी मिला, पहला अवार्ड ज्ञानपीठ का मिला नव लेखन का, और भी कई पुरस्कार मिले। 8 तक मैंने लिखा, 8 से क्या मतलब, अभी तो 12 में जो कहानी कहीं कुछ नहीं है तो 12 में छपी है, तो ऐसा नहीं है कि इतना लंबा गैप हुआ है कि 12 साल का संग्रह 12 साल बाद आया, 13 साल बाद आया है, कहानियाँ तो बाद में ही लिखी गई हैं, इसी बीच लिखी गई हैं। और कहानी मैंने कम लिखी है लेकिन बहुत सारे और दूसरे काम किए, दूसरे काम जैसे मतलब करीब 3-4 साल लगातार हर हफ्ते मैंने साहित्यिक व्यंग लिखे हैं, और मतलब नॉन स्टॉप हर हफ्ते एक कॉलम जाता था मेरा, और दूसरी तरह के लेखन भी हुए, आलोचनात्मक लेखन भी किया, और तरह के कई तरह के लेख वगैरह पत्रकारिता के काम कई तरह के रहे, तो उसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा लिखने की मेरी आदत कभी रही नहीं, जब तक चीज़ें पक ना जाएँ खुल ना जाएँ तब तक मेरा मन नहीं होता। और दूसरा कारण ये है कि अब एक बड़ी बात ये भी हो गई है कि जो यथार्थ हम देख रहे होते हैं वो दरअसल इतनी तेज़ी से बदल रहा है, जब तक आप उसे पकड़ रहे हैं तब तक वो बदल चुका होता है, जो दृश्य आपको दिख रहा है उस दृश्य के पीछे कितने दृश्य हैं, कितनी कहानियाँ हैं, और असली खेल कहाँ चल रहा है, इसको पकड़ने में थोड़ा समय लगता है। जब तक आप उसको नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ दृश्य दिखा देने से बात नहीं बनती है। मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण मैथिली शरणगुप्त की एक पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है वो, क्या थे क्या हैं और क्या होंगे अभी, साधारण सी पंक्ति है मतलब, लेकिन एक बड़ा बड़ा अर्थ है इसका। आप सोचिए एक लेखक का काम क्या है, पहले ये जानना कि क्या थे क्या हैं क्या होंगे, कि आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, आपको ये बताना है क्या थे क्या हैं क्या होंगे, कि आप एक झलक दे सकते हैं, आप भविष्यवक्ता नहीं हो सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जब लेखक भविष्यवाणी करने लगता है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो लेखक नहीं रहता, लेखक नहीं रहता, वो भविष्यवाणी का वो नहीं है, लेखक भविष्यवक्ता नहीं होता। मैं हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए प्रेमचंद की रंगभूमि है, उबरी जी की एक किताब थी ख्याल से सत्याग्रह, कौन सी किताब है ठीक से याद नहीं आ रहा, उसमें वो 1930 के आसपास लिख रहे हैं कांग्रेस के पतन और उसके भ्रष्टाचार और बदलती पूरी राजनीति पर, जो हम बहुत बाद में देख पाते हैं। तो शायद लेखक वहाँ चीज़ों को पकड़ ले रहा है, कुछ चीज़ों को ऐसा पकड़ लेता है, वो भविष्य की राजनीति पर देख रहा है, लेकिन वो भविष्यवक्ता नहीं है, इसीलिए रंगभूमि में वो जो है सूरदास गांधी का प्रतीक बन जाते हैं। उनको नहीं पता होगा कि ये भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं गांधी की हत्या हो जाएगी, लेकिन उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति चल रही है, जो नफरत की खेती बोई जा रही है, वो भविष्य में कहाँ जाएगी। हम जो चीज़ें आज देख रहे हैं, आप भी देखिए ना, आज़ादी के बाद से 60 के दशक में भी जो रचनाएं आई हैं, 80 के दशक में रचनाएं आई, भीष्म साहनी की किताबें हैं, तमस वगैरह विभाजन पर है, उसके बाद सांप्रदायिकता पर 84 के दंगों पर स्वयं प्रकाश की कहानी है, मैंने सदा भिखारी नहीं देखा, या 80 के बाद की जो रचनाएँ हैं सांप्रदायिकता पर, आखिरी कलाम है बांडे के बाबरी मस्जिद ध्वंस पर, वो आपको आज का यथार्थ दिखा रहा है ना, और आज का ही नहीं, मुझे लगता है भविष्य का भी यथार्थ दिखा रहा है, वो भविष्यवाणी नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं बन रहा है, लेकिन जो देख रहा है उसको महसूस, जो महसूस कर रहा है उसकी एक झलक दिखा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है, भविष्यवक्ता और एक लेखक में एक बुनियादी अंतर है। कहीं कुछ नहीं जो कहानी संग्रह है, ये रिश्तों का जो सिरा हमें पकड़ाता है, समाज इस बारे में बात नहीं करना चाहता है, तो ये जब आप इस तरीके की कहानियाँ न सिर्फ बुनते हैं बल्कि उन्हें लिखकर लोगों तक पहुँचाते भी हैं, तो क्या आपको कहीं समाज में ही और अपने परिवार में ही जज किए जाने का डर नहीं लगता है?
नहीं जज तो मैं किया जाता हूँ लगातार, कई कहानियाँ हैं। अब एक कहानी थी ब्रह्म हत्या जो उससे पहले संग्रह में थी, तो उसमें हमारे गांव में बाबा के बारे में एक किस्सा, मतलब एक कवित्व प्रसिद्ध है कि राम बदन के पूत अकेला किस घर में ठेलिम ठेला, पढ़ब लिखब इनके ना इनके भावा, कभों बारी कभों पहाड़ी, ये तो हुई गए पूर्णचारी। मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं, इधर उधर घूमता रहा, कभी यहाँ घूमता रहा कभी वहाँ घूमता रहा, और पूरा आचार्य हो गया। तो मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा था ये, मैंने उसको कहानी में इस्तेमाल किया। नाम भी अब चूँकि राम बदन था तो उनका बाबा ग्राम धर्म था, नाम इस्तेमाल कर लिया। तो हुआ यह कि बुआ ने और घर वालों ने, जब परिवार ने, कोई साहित्य को उस तरह के वो नहीं है, तो उन लोगों को लगा देखो हमारे बाबा को बदनाम कर रहा है। तो इस तरह से हुआ है, ये संग्रह में इनकी कहानी है। शालिग्राम कहानी में एक दिन पापा ने कहा मुझसे, तो मेरे ऊपर तो नहीं लिखी है आपके ऊपर नहीं लिखी कहानी है। अच्छा, और जैसे आपकी कहानियों में वर्णवादी व्यवस्था पे लगातार एक चोट होती है, और आप खुद समाज के जिस तबके से आते हैं, तो वहाँ से आते हुए सबसे पहले शुरुआत जो भी होगी किसी भी तरीके की चोट की होगी वो घर में होगी, परिवार में होगी, फिर उसके बाद हम समाज तक पहुँच पाते हैं। तो ये सब जब आप कर रहे थे तो इसको लेकर के घर परिवार और समाज जो आसपास का है उससे किस तरीके से तालमेल बनाते हुए काम किए? देखिए बहुत ही परंपरावादी परिवार रहा है हमारा, मतलब पुरोहित गिरी का, मतलब जो वो पूरा खानदानी काम रहा है, तो उसमें दिक्कत तो होती थी। क्योंकि मेरे लिए सुविधा ये थी कि पापा सरकारी नौकरी में आ गए थे, तो हम लोग थोड़ा शहर में रहे, तो उस परिवेश से थोड़ा सा एक नई दुनिया भी देख रहे थे। लेकिन जब बीएससी के दौरान मैं गांव में जाता था, मतलब सुल्तानपुर में पढ़ रहा था, इलाहाबाद में और सुल्तानपुर में, तब गांव जाता था तब दिक्कत होती थी। और दिक्कत हो मेरी दोस्तियां जो है हरिजन टोला और यादव टोला में ज़्यादा थी, तो थोड़ी दिक्कत भी होती थी उस समय। मायावती का बड़ा वो हो रहा था, उभार हो रहा था, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था, तो घर में जो है इस बात को वो होता था। लेकिन वो चीज़ें परिपक्व हो रही थी उस समय, मतलब वो बहुत क्लियर नहीं था, एक विद्रोही भाव था। लेकिन सिर्फ विद्रोही भाव से चीज़ें नहीं बनती हैं, आप उनको पकाना भी पड़ता है। विद्रोह आपको कहीं, सिर्फ विद्रोह आपको कहीं नहीं ले जा सकता। मैं इसमें कहीं कुछ नहीं कि जब मैं कहानियाँ पढ़ रही हूँ तो अंतरंग संबंधों और फंतासियों का जो मतलब वृहद रूप आप दिखाते हैं, उसके बावजूद जो भाषा का मर्म है और सौंदर्य है, जो सौम्यता है, वो मुझे पूरी तरह से बांध के रखती है। मैं इन कहानियों को अगर किसी के बीच में कहूँगी तो मुझे भाषा को लेकर के हिचक नहीं होगी। वो जो सौम्यता है वो कैसे आती है और कहाँ से आती है? दो चीज़ें हैं, मैं उस तरह से नहीं सोचता हूँ कि मैं अच्छी भाषा और ख़राब भाषा के रूप में सोचता हूँ। भाषा एक हथियार है, एक खराब हथियार हो सकता है जो आपको भी नुकसान पहुँचा देगा, अच्छा हथियार अच्छे ढंग से काम करेगा। तो उसी तरह भाषा का भी है, भाषा कहीं ना कहीं आपके भीतर से आती है, और भाषा अच्छे विचार से आएगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई जिसके पास अच्छा विचार होगा वो खराब भाषा लिख सकता है, या जो अच्छी भाषा लिख रहा होगा वो खराब विचार की तरफ जाएगा। जैसे प्रेम संबंधों पर लगातार इस किताब में बात होती है, लेकिन एग्जैक्ट लव स्टोरी की जब हम बात करेंगे तो वो किस तरह से होगी अगर शशिभूषण द्विवेदी कभी लिखना चाहेंगे या बताएंगे? क्या आपको लगता है कि आज के समय में उस तरह की पुरानी ढंग से प्रेम कहानियाँ लिखी जा सकती हैं? ओल्ड स्कूल जो लव है मैं उसमें आज भी भरोसा तो करती ही हूँ, और दिखने को मिल जाए कहीं तो बहुत बड़ी। अब शायद बहुत मुश्किल मुझे लगता है कि अब प्रेम कहानियों का रूप भी बदला हुआ है। उस तरह से प्रेम कहानी नहीं लिखी जा सकती जिस तरह से बहुत आदर्शवादी ढंग से गुनाहों का देवता लिखी गई थी। अब चीज़ें, अब लोगों के रिश्ते भी बदले हैं और सोच भी बहुत काफ़ी हद तक बदल चुकी है।
पहले ये था कि प्रेम में पुरुष प्रभुता ज्यादा रहती थी, अब उतनी नहीं है, बिल्कुल भी शायद नहीं है। अब मामला दो तरफा है वाकई। आपको नहीं लगता? नहीं, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाऊंगी। मतलब वो रस्ता कशी है लेकिन चल तो अभी भी वैसा ही कुछ कुछ रहा है। हाँ, लेकिन बदल रहा है ना? बदल तो रहा है, बदलाव है, गतिज है वो, उस पर तो बदल। मतलब नकारने की स्थिति में अब महिला ज्यादा उससे आ रही है ना। हाँ। नो मतलब नो। हाँ। पहले आप नो मतलब नो नहीं कह सकते थे। अच्छा, हिस्टोरिकल और सोशल एंगल से जब हम देखते हैं तो औरतें जब असर्शन पे आती थीं और जब कहीं बात नहीं बनती थी तो वो बिस्तर पर अपने आप को नेगोशिएट कर रही होती थी। ठीक है, तो इसका भी हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कुछ पढ़ते हुए समझ में आता है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक समाज का एक बड़ा तबका है जो इसे अपनी महिलाओं में जो है ये उनकी अपनी राजनीति है और उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। तो ये है, तो इसमें कोई वो उस तरह की बात नहीं है। मतलब ये एग्जिस्टेंस में है। हाँ, है ना, अभी भी है। हाँ, और ये ठीक भी है, उनका ये करना भी ठीक ही है। देखिए, सबके अपने अपने हथियार हो सकते हैं। एक कमजोर आदमी का हथियार क्या होगा? बिल्कुल, जिसके पास जो हथियार होगा वो उसी तरह से इस्तेमाल करेगा ना। तो वहाँ पे उन्हें विक्टिम ना बोला जाए ना। विक्टिम कैसे हो सकता है? विक्टिम नहीं है वो, उनका हथियार है। एक कमजोर आदमी, एक मान लीजिए बहुत गरीब आदमी है, वो क्या कर सकता है? वो आपको मार नहीं सकता, गाली तो दे सकता है ना। तो गाली देगा वो। जब एक कमजोर स्त्री देह को अपना हथियार बनाती है सामाजिक स्तर पर, तो एक कमजोर का हथियार है। लेकिन जब वो साहित्य में, राजनीति में या दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही होती है तो पुरुष उसको जो है उसके उस हथियार को, जब वो हथियार नहीं भी बना रही होती है तो पुरुष उसको हथियार बना लेता। खेल फिर मतलब ये दुधारी तलवार है जो हमेशा स्त्री को ही काटती है। वो हथियार खुद ही चलाए तब भी चोट उसे ही लगनी है, दूसरा चलाएगा तो भी चोट उसे ही लगनी है। आपके लेखन में जो रिश्तों का रूप निकल के आता है, मौसी, बुआ, ममेरी बहन, क्या ये आपके बचपन और किशोरावस्था से किसी तरीके से डिराइव्ड है? क्या चीज़ें उतनी कभी भी उस तरह से डिस्टर्ब रही हैं या ऐसा कुछ रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है। और लेकिन कहानी है, उसमें से पूरी तरह से जीवन नहीं है, थोड़ा बहुत जीवन के साथ में हमारे आसपास की चीज़ें आती हैं जो देखा और महसूस किया है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अंततः कहानी तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, वो जीवन का कॉम्प्लिकेशन है, वो उसको सिर्फ एक जीवन से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता। तो इतना लंबा ये जो समय लेकर लिखने, पकाने और बुनने की जो प्रक्रिया होती है, तो इस बुनने की प्रक्रिया में कभी ऐसा नहीं लगा कि एक उपन्यास भी लिखा जाए? कहीं कुछ नहीं तो दरअसल उपन्यास ही लिखा जा रहा था। तो ये उपन्यास लिखते लिखते नहीं हुआ, ये था कि ये असली चरित्र हैं, दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं और उसमें काफ़ी कुछ घटनाएं उनके जीवन की हैं, अभी भी जिंदा है वो, तो इसको लेकर उनका आग्रह था, उपन्यास के रूप में ही लिख रहा था मैं इसको। क्योंकि ये एक दार्शनिक की कहानी थी, विपश्यना और दूसरी ध्यान पद्धतियाँ और तमाम सारी चीज़ों का उसमें वो आ रहा था, तो मुझे भी कई सारी चीज़ों को पढ़ना और जानना जरूरी लग रहा था, तो समय तो ले ही रहा था वो। उसी बीच जो है कालिया जी का दबाव भी था, तो वो कहानी के रूप में छप गया। हालांकि मुझे इस बात का अफसोस है कि उसको अभी भी जो है वो उपन्यासी है, उसको उपन्यास के रूप में ही लिखा जाना है। जैसे कहीं कुछ नहीं को जब मैं पढ़ती हूँ जो कहानी है, तो वो बहुत बहुत गहन है, एक दर्शन की ओर लेके जाती है। अभी इतनी शुरुआती लेखन है,
उठान पे हैं आप अपने, तो अपनी दार्शनिक कहानी लिखने के बारे में भी कैसे ही? नहीं, वो जो कहानी है वो दरअसल वो चरित्र ही दार्शनिक का है, वो उसको जी रहा है वो, तो कहानी उस चरित्र के आसपास है तो जैसी बात दर्शन आएगा। और दर्शन अपने आप में कोई अलग सा विषय नहीं है, वो जीवन का ही विषय है, जीवन से जुड़ी हुई चीज है। तो कहानी में दर्शन, किसी भी कहानी में कोई कहानी दर्शन के बिना नहीं होती है, कोई भी नहीं हो सकती, कोई भी अच्छी कहानी बिना दर्शन के नहीं हो सकती। अभी जो समकक्ष कहानीकार हैं उनसे किस तरीके की आपकी उम्मीदें रही हैं? कौन है जो उन उम्मीदों पर उसी तरह से खरे भी उतर रहे हैं? कौन है जो जिनको लेकर के ज़्यादा उम्मीदें रही हैं और लगता हो कि वो शायद और बेहतर कर सकते हैं? चंदन पांडे, कुणाल सिंह, नीलाक्षी सिंह, इन लोगों से काफ़ी उम्मीदें थी। चंदन की भूलना कहानी तो कमाल थी, लेकिन चंदन के साथ एक अजीब दिक्कत हुई कि बाद के समय में धीरे धीरे वो एक अजीब तरह के लेखन की तरफ मुड़ने लगे। हर रिवॉल्वर जैसी कहानी उनकी आई, माफिया डॉन, ये वो बहुत फिल्मी किस्म का मामला हो गया। कुणाल, यहाँ तक कुणाल ने फिर ब्रेक ले लिया। कुणाल ने उस मतलब लिखते जाने के लिए नहीं लिखा। इधर बिल्कुल नए लोगों में शिवेंद्र हैं, उपासना हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं लोग। और जब फिल्मों की तरफ थोड़ी सी बात आ गई, या गौरव सोलंकी हैं, उनकी कहानियाँ भी बहुत अच्छी कहानी हैं। तो हाँ, तो गौरव की किताब से अगर थोड़ी सी बात कर लें कि जैसे गौरव ने जो कहानियाँ लिखी वो भी अपने आप में बेहद बोल्ड हैं। आपकी कहानियों को हम देखते हैं वो, मतलब उस समय में किस तरीके से आपकी थॉट के हिसाब से आपने वो बहुत बोल्ड हैं वो कैरेक्टर्स, हम जब पढ़ते हैं तो वो हम उम्र की का कोई फर्क नहीं लगता है, हम बिल्कुल बराबर का महसूस करते हैं। तो इतना ही बोल्ड जब आप लिख पा रहे हैं और लिखे हैं, तो ये बोल्डनेस कैसे आप एकदम पटल पे लाके सामने रखते हैं? बोल्डनेस मैं नहीं कहूँगा इसको, कई बार हम जो नहीं जी पाते हैं उसको भी जीने की कोशिश करते हैं। ये कुछ उसी तरह की बात है, बोल्डनेस ऐसा कुछ नहीं है। और जो महसूस किया, जो देखा, जो अनुभव किया, उसको उस तरह से लिखने की कोशिश, उसको अश्लील ना हो जाए, वल्गर ना हो जाए, इसकी कोशिश तो रही है। और आगे फिल्मों के लिए अगर लिखने की बात हो तो खेलेगा तो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।